नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका लूजर ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज का टॉपिक है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। मैं ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ जो इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई परेशानी आने पे व्हाट्सअप से आप सलाह ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। इसके लिए आपको ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए, ओपन अपने को ऑप्शन चेंज ओपन करना है। हमें ऑप्शन चेंज ओपन करना है तो पहले बैंक निफ्टी ऐड करें अपने स्क्रिप्ट पे। बैंक निफ्टी में ये तीन डॉट मोर पे क्लिक करें और ऑप्शन चेन पर क्लिक करें। आई रिपीट, बैंक निफ्टी अपन ने ऐड कर लिया, मोर पे क्लिक किया और ऑप्शन चेन पर क्लिक किया। इसके बाद हम सी फुल ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें काम किए, लेकिन अभी हम ओआई पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ इसे देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट का शब्दार्थ है ओपन मतलब खुला, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, मतलब हमारी दिलचस्पी है इसमें। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे दिखा है ओ आई चेंज, यहाँ पे लिखा ओ आई चेंज इन परसेंटेज, ओ आई लैक एलटीपी आईवी स्ट्राइक प्राइस। अब ओ आई, अभी आप यहाँ देखिए 34,700 का ओ आई है 1.5 लाख, सॉरी ये तो चेंज है, ओ आई है इसका 34,700 का ओ आई है 3.3 लाख पुट का, 34,600 का ओआई है 3.9 लाख, 34,500 का ओआई है 13 लाख, इसी प्रकार पुट के ओआई हो गए। अब कॉल का ओआई देखते हैं, कॉल का ओआई दिख रहा है 34,800 का 6 लाख, 34,900 का दिख रहा है अपनों कितना है 5 लाख, 35,000 का है 20 लाख। ओआई से हमें यह पता लगता है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है, उनकी दिलचस्पी किस तरफ है। इससे यह पता लग जाता है कि मार्केट जाएगा किधर, मार्केट खत्म कहां होगा, उसकी एक्सपायरी किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास होगी। इससे कंफर्म तो नहीं होता कहां पे होगा, लेकिन हाँ एक अपने को रास्ता मिल जाता है, अपने को हिंट मिल जाती है कि मार्केट खत्म कहां होगा, मंथली एक्सपायरी हो या वीकली एक्सपायरी हो, वो एक्सपायरी हमें कहाँ देगा, जिससे हमें ट्रेडिंग करने में इजी होता है। अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो हमें इजी होता है, इंटरेस्ट करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं पूरा शुरू से लेके आखिरी तक, जो लंबा ट्रेड लेते हैं लॉन्ग टर्म का, उनके लिए ओआई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर दिखाया गया है ओआई चेंज परसेंटेज, कुछ लोग परसेंटेज में काम करते हैं, कितना परसेंट गिर गया, कितना परसेंट बढ़ गया, ये ओआई है, ओआई चेंज है, ओआई चेंज इन परसेंटेज है और ओआई इन लैक। अगर ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आपको तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, मतलब इतना 85% बढ़ा है, यहाँ 87% बढ़ा है, 127% ओआई बढ़ा है, और यहाँ पे रेड मतलब इतना परसेंट गिरा है। मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आधा घंटे पहले क्या था और अभी क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ शो करेगा कि ये बढ़ा है कि गिरा है, और गिरा भी है तो कितना गिरा है, यहाँ दिख रहा परसेंटेज में दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है लंबी सी, ये आपको शो करती है कि ज़्यादा गिरा है, ये सॉरी ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नीचे जो भी आपको दिखाता है, यहाँ पे आपको एक झलक देखते ही समझ में जाएगा कि ये ऊपर हुआ कि नीचे हुआ, क्लियर हो जाता है कि ये ऊपर हुआ या नीचे हुआ। देखो 85% बढ़ा है तो आपको यहाँ देख के ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ओआई इसका बढ़ा है, और कितना बढ़ा दिख रहा है, यहाँ भी कितना बढ़ा दिख रहा है, ठीक है। अगर वहीं आप ऑप्शन चेन की बात करें जो हमको एनएससी की साइड में मिलता है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओआई चेंज इन ओआई 21,21,867, यहाँ पे 29,35,335, पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो, आपको इजी पड़ेगा चेक करना। देखते हैं
जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 35,000 की कॉल पे ओआई जो है 20 लाख की है, उसके अलावा यहाँ पे कहीं भी उतनी ओआई नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा 5.7 लाख, 4.3, 5.2, 4.9, 3.1, यहाँ पे 10 लाख। यहाँ देखते हैं पुट्स में 1, 7.85, 1, 2, 3, 3, 12 लाख। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 लाख है, यहाँ 20 लाख है, इन दोनों के बीच में या आगे पीछे इतना बड़ा कोई भी ओआई बिल्डअप नहीं है। 13 लाख का लेकिन बहुत दूर है, इतना दूर जाना मुश्किल है मार्केट को। तो एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट 35,000 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 35,000 से ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे की बात करें 34,500, तो इसके नीचे भी जाने की उम्मीद कम है। ऐसा नहीं है कि 35,000 से ऊपर नहीं जा सकता और 34,500 से नीचे नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नीचे भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन ये एक अंदाजा लग जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे इतना ज्यादा बिल्डअप है, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मतलब इतने लोग यहाँ पे अपना सौदा खरीद के रखे हुए हैं या अपना सौदा को एक्टिव रखे हुए हैं। जिनने खरीदा है तो बेचा नहीं है अभी तक, और जिसने बेचा है तो अभी तक खरीदा नहीं है, मतलब उनके सौदे पड़े हुए हैं, एक्टिव है, जीवित हैं। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया, मैंने एक लॉट खरीदा और किसी एक बंदे ने एक लॉट बेचा, उसने फ्रेश सेलिंग किया, मैंने फ्रेश बाइंग किया, मतलब हम दोनों को मिला के एक नंबर वन ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ दो लोग काम तो दो लोग कर रहे हैं, लेकिन सौदा तो एक ही हुआ ना, एक ही शेयर, एक ही लॉट खरीदा और बेचा गया। अब वहीं अगर तीन लोग सौदा खरीदते हैं और दूसरे तीन लोग सौदा बेचते हैं तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट 3 हो जाएगा, ना कि 6। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस थोड़ा, लेकिन आप अगर वीडियो को दो या तीन बार देखोगे तो आपको समझ में जाएगा। यहां पे ओपन इंटरेस्ट पे होता क्या है कि जितने लोग सौदा खरीदते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। ये ओआई डिटेल्स में जैसे ए एक खरीदार है और बी एक बेचने वाला है, शेयर है, ए ने एक लॉट खरीदा और बी ने एक लॉट बेचा, तो कितने लोग काम किए? यहां पे दो लोग काम किए, लेकिन ट्रेड तो एक ही लॉट पे हुआ ना, तो यहां पे ओआई 1 कहलाएगी। और जब ये ए एक लॉट को बेचेगा, जो खरीदा हुआ लॉट है उसको बेचेगा, और बी जो है जो पहले बेचा हुआ लॉट है उसको खरीदेगा, तो ये पूरी ट्रेड मिला के 0 हो गई, क्योंकि इसने जो ओपन इंटरेस्ट था मार्केट में यहां पे आके बेच दिया, ये भी ओपन था, इसने यहां बेच दिया, यहां 0 हो गई। इसी प्रकार जितने लोग खरीद के रखते हैं अपने पास, जिनका रखा हुआ है लॉट, वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लाखों में संख्या होती है, ओआई इन लैख, 5.7 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 11 लाख, इसी प्रकार। तो ये हमको बताता है कि कितना मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। एक यहां पे हद बन गई है कि इसके नीचे जाने की उम्मीद, इसके ऊपर जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि यहां पे 18 लाख का ओआई है जो यहां कहीं नहीं दिख रहा है, और यहां पे 34,500 पे पुट पे 11 लाख का ओआई है जो कि पुट में सबसे ज्यादा है, मतलब इसके नीचे तो मार्केट जाना संभव नहीं लग रहा है। इसको भी जम करके जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मार्केट है, किसी का सगा नहीं होता। इससे यह साबित नहीं होता कि मार्केट कहां बंद होगा, हाँ एक अंदाजा लग गया कि भैया 35,000 के ऊपर नहीं जाएगा और 34,500 के नीचे नहीं आएगा, ये आज की कहानी है। कल देखते हैं कि कल एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है, उससे देखा जाएगा। एक अंदाज से बताया जाता है कि मार्केट कहां बंद हो सकता है, अगर आप इसका जोधा का गाइड इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे आपको मैक्स पेन दिखेगा, मतलब मैक्सिमम पेन, जहां सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है उसको बोलते हैं मैक्स पेन। ये लगभग बता रहा है 34,500 के आसपास बंद होगा, मतलब एक्सपायर होगा, ठीक है। तो एक अंदाजा तो मिल गया हमें कि
ये मार्केट कहां से कहां रहेगा, ये ओआई के चलते है। अगर ओआई हमें पता है तो हम मार्केट का क्लोजिंग देख सकते हैं, हमें पता लग सकता है भाई जब 35,000 मार्केट आया तो हम पुट के लिए चल जाएंगे, पता है यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, हम पुट खरीद सकते हैं। जब मार्केट 34,500 के आसपास दिखा तो हम कॉल खरीद सकते हैं, मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं। लेकिन ये भी एक अंदाजा होता है, जब भी मार्केट यहां से वापस चढ़ना चालू ना करे नहीं खरीदना। हाँ, आपको एक अंदाजा मिल गया, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है कि नहीं। जब जाना चालू करे तब बकायदा कूद जाओ, आपको 35,000 तक का टारगेट मिलेगा, यहां से 500 पॉइंट तक का मूवमेंट मिलेगा आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।